अब बारी मुंबई वालों की, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नवा शेवा अटल सेतु। हेलो नमस्कार, दिस इज इमरान खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। अब मैं घर पर हूँ, लेकिन घर की जो कहानी है मैं आप लोग को कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, बिकॉज घर पे मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अभी नेगेटिविटी चल रही है। बीमार हूँ तो दवा चल रही है, रेस्ट ले रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है। बट जब कभी बाहर निकलते हैं तो बातें करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। आपसे बातें हो इसीलिए बाहर निकल रहा हूँ, और एक ब्रांड का शूट भी है। ऐसा नहीं है कि बातें करने के लिए कुछ नहीं है, बातें करने के लिए है, लेकिन मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता हूँ यार। पहले मैं सोचता था कि जो भी हो बता दूँ, लेकिन अभी ऐसा फील नहीं होता है कि नेगेटिव चीज़ें शेयर करूँ। बिकॉज क्या होता है कि अगर तुम कुछ नेगेटिव चीज़ें बार बार शेयर करते हो ना, फिर वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है, और मेरी पर्सनैलिटी मैं नहीं चाहता कि वैसी बने। आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं वहाँ का एक सोविनियर लेके आ जाता हूँ। तो श्रीनगर गया था तो वहाँ से भी मैंने एक सोविनियर लिया था, और वो सोविनियर है ये शिकारा। तो इसको इसकी जगह पे पहुँचा देंगे। ये मेरा वॉल ऑफ फेम, बहुत सारे मेमोरीज, एंड ये एड ऑन होगा। शिकारा के लिए जगह दो यार, जगह भर गई है, कहाँ लगाऊँ। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम इधर ही रहो। ओके लाला आ गया, बड़ो चल गया। दवाई दुकान लाया, मतलब 2 ले 4 ले। टैक्सिन किधर है? टैक्सिन भी ले, ये भी और एक ले, ये भी और एक ले। ये साला 20 दिन का कोर्स, ये मेरे को ठीक कर रहा है या मेरे को बीमार कर रहा है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसा हो रहा, ट्रक लो ट्रक लो ट्रक दो। आर यू गाइस रेडी? रेडी कर जा, तेरी जोश लाओ, ये खाओ जोश लाओ। ये खा के तो सारा जोश निकल गया टट्टी से। गाड़ी एकदम नई की नई, क्या हालत हो गई थी गाड़ी की यार, हम तो साफ ही नहीं करा पा रहे थे, बट अभी एकदम सही हो गया है। ऑल थैंक्स टू ऑटो लॉन्डर मयूरेश भाई, थैंक यू। इसको वॉश करने का छोटा सा क्लिप है, थोड़ा आप देखें तब तक। ऑटो व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा अपनी कौन सी गाड़ी चली है। मैं कह रहा हूँ कि फॉर्च्यूनर अब सबसे ज़्यादा चल चुकी, क्योंकि फॉर्च्यूनर में 35,000 समझ लो। क्या बोलता है तू? मेरे पास अपनी राम प्यारी चली है। राम प्यारी कितनी चली है? राम प्यारी देखना पड़ेगा। ये जो आप खूबसूरत सा एंगल देख रहे हैं जिसपे आप अपना POV शूट कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक छोटे से कैमरे का कमाल है जिसे कहते हैं इंस्टा गो 3। रुकेगा, मारेगा क्या ये, ठोकेगा क्या ये? वैसे अपनी खोपड़ी हटीली है। अरे यहाँ से सबसे पहले जाएंगे हम पीपी पॉइंट। व्हाट इज पीपी पॉइंट? बताओ क्या है पीपी पॉइंट? पूनम पिकअप पॉइंट। पोलो चली 61,000। 61,000? क्या फेंक रेला है? 61,200। क्या बात कर रेला है? क्या बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं मिस्टेक, मैं बोला था। लेकिन ये उसको फट से ओवरटेक कर देगी। हाँ ये तो कर देगी, जिस तरह से ये चल रही है उस हिसाब से तो ओवरटेक कर ही देगी। ठीक हो, हेलमेट उतारो मत, देखो फाइन मार रहा हो। छोकरी आवाज दे उसको, कैसा आवाज दे रहा है, क्या कर रहा तू यहाँ, सुनाई देगा क्या उसको? ओके बढ़िया है, गाड़ी तो एकदम लग भी सही रही है। क्या चालू करूँ? डिग्गी चालू करूँ? यार इसको चालू कैसे करते हैं? अनलॉक करना है। ये बस स्टॉप पे बैठी हुई थी और गाड़ी जा रही थी, तो ये उसको आवाज देता है ऐसा कैसे। खाना खाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। आज हम वो खाएंगे जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जंक फूड खाएंगे मैकडोनल्ड्स से। बढ़िया है, बट मैकडोनल्ड बहुत महंगा हो गया है। ये जितना भी हमने मंगाया है इसका अमाउंट है 1400 रुपये, 300 पर हेड, 350 पर हेड। उसमें कितनी बिरयानी आती थी? हाँ, इसका दिमाग बिरयानी भी चलता है। पता नहीं मुंबई में क्या हुआ है, गर्मी बढ़ गई है। वार्निंग भी आया था कि 3 दिन बहुत ज्यादा गर्म होगा यहाँ पर, 37 तक फोरकास्ट किया गया था। एसी चालू करो। मुंबई नहीं, अभी तो नवी मुंबई आ गया 92.83, और थोड़ा सस्ता होने की उम्मीद है। शेयर मार्केट की तरह इसकी भी प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्या इलेक्शन आ रहा है? कम कर रहे हैं, बोला था 10 रुपये कम करेंगे। अच्छा, इलेक्शन के बहाने कम से कम 10 रुपये सस्ता तो मिलेगा। ऐसे हर साल होना चाहिए इलेक्शन, मजा आएगा। तो यहाँ पर हमने डीजल भराया 4300, जैसे कि हमने आपको बताया था कश्मीर ट्रिप में लगभग 60,000 रुपये हमारा डीजल का खर्चा हुआ है। ये तो चलो ठीक है, बट टोल का जानना चाहोगे टोल का कितना हुआ पूरे ट्रिप में? मैडम पूनम, कमाली भाई 7200 ये अपने भाई लोग पोस्टर में। कांग्रेचुलेशन नील एंड पूरी टीम को। इंस्टा पे थे अभी पोस्टर में। जिंकलो मित्रा अपन जिंकलो। They still respect the women. He's the rolling, it's another. He just got the window tinted. Homie stab me in the back, and that can never be forgiven. And my palms been itching, man. I like your superstition. हाईवे से हम लोग जा रहे थे, जाते जाते एक मस्त लोकेशन दिख गया तो हम रुक गए वीडियो शूट करने के लिए। काफी बेहतरीन लोकेशन है, थोड़ा संभालना पड़ेगा, सांप वाप हो सकता है क्योंकि बांस के पेड़ है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर पानी है। मस्त यहाँ पर दो चार शॉट लिए हैं जो कि आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे। ऐसे चलते चलते कोई अच्छा लोकेशन हमें दिख जाता है ना, हम शूट कर लेते हैं। और ऐसे लोकेशन में दिक्कत ये होती है कि पुलिस कभी भी आ सकती है और आके पूछ सकती है, परेशान करेगी आपको, आपका टाइम खाएगी। बट अच्छा शॉट लेने के लिए रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसा बोले कि भाई इतने बड़े लेंस का तुम कर क्या रहे हो? Do you have permission? We don't have any permission, बस बढ़िया था यहाँ का हो गया। अभी हम निकल रहे हैं आगे। Wait, grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen on our TV dinner plate. Made that couple dollars, so I probably get the steak. Go on out at John and Venice, I told Quentin I'll be late. Hey, I'm so epidemic, I'm a cause an epidemic. Put my ये सारे भैंस लोगों ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन बंद करना बनता है क्योंकि वो लोग जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। ये फ्राइडे नाइट की पार्टी होने वाली है। कैसे ठुमका ठुमका के चल रहे हैं लोग, मतलब एक्साइटेड है। I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian. All right, पहुँचना था जहाँ हमें, वहाँ पहुँच चुके हैं। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है मेड इन इंडिया, नॉट रूसी। ऊपर से नीचे मेड इन इंडिया। आई लव माई इंडिया। भाई गाना बज रहा है। ओ भाई वो छोड़, मलंग मारुति क्या? अरे तू नाच रही। चलो एंटर करते हैं। क्या रखा है हमारे लिए? गाड़ी अंदर आ नहीं सकती लेकिन गाड़ी तो अंदर है यार। ये यहाँ तो नहीं आना चाहिए था अपने को, ये इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं जमेगा अपने से। थोड़ा सा कहानी में चेंज ट्विस्ट है। हम कहाँ गए थे तो वहाँ पर एक्चुअली ऐसा था कि कुछ ज्यादा ही कमर्शियल था, हमें थोड़ा सा रॉ चाहिए था, टेंट वेंट चाहिए था जहाँ पर हम रुक सके। और क्या है कि कमर्शियल लाइफ हमने बहुत देखी यार, अभी तो कमर्शियल लाइफ से होके आ रहे तो यहाँ पर भी ऐसा मजा नहीं आया। और फिर ऐसा था कि हम कट टू कट पहुंचे, हमें ब्रांड का शूट करना था। सनसेट देखो ऑलमोस्ट होने को है। हम यहाँ पर आधे घंटे पहले आए थे, आधे घंटे में जितना शॉट्स लेना था हमने ले लिया और अपना शूट मतलब 70% हम कंप्लीट कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? वही जो पुराना था। हमने इस बार मैंने सोचा था कि ना कुछ नया करते हैं, कुछ नई जगह जाते हैं, लेकिन नए जगह जाने के चक्कर में अपना वहाँ लाइफ ज्यादा एंजॉय थी। वहाँ ज्यादा ही लोग एंजॉय कर रहे थे, माहौल था, गाना बज रहा था, दारू शारू चल रही थी। और फिर हमने बोला अस्तगफिरुल्लाह, चलो यहाँ से। वहाँ पे व्लॉग करने नहीं होता लेकिन इतना म्यूजिक, बहुत म्यूजिक था वहाँ पे। पब्लिक इतनी है कि म्यूजिक बंद भी नहीं करवा सकते। अभी पता नहीं हम किसके प्रॉपर्टी पे शूट कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमने थोड़ा शूट कर लिया यार, फोटो ले लिया, चलेगा ना? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जिसकी भी प्रॉपर्टी, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करोगे ना? पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। पहुंच गए। ये देखो हमने आते टाइम ऑफ रोड किया था, इस पे MSK लिखेगा, तुझे मैं 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये एक मिनट। हाँ मॉल में था, इसमें सेम ही लग रहा है। अरे मिलेगा 100 रुपये तेरे को, वो स्मॉल है, देख देखो 200 रुपये दूंगा, वो उंगली तू चाटेगा क्या? पहुंच गए अपने पुराने अड्डे पे। जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम यहीं आ जाते हैं क्योंकि ये जो लोकेशन है इससे हम बहुत ही रूबरू हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पर हम क्या शूट कर सकते हैं। बट शफी को देख रहे हो, बाय बाय। और राइट, जब भी हम यहाँ पर आते हैं, टेंट में रुके हैं, वहाँ पर इनका एक रूम है, वहाँ पर रुके हैं। लेकिन कभी भी हम ये जो ग्लैम्पिंग है, त्रिकोण सा कॉटेज, इनके पास 1 2 3 है, कभी भी हम इसमें नहीं रुके। आज पहली बार इसमें रुकेंगे, त्रिकोण कॉटेज में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? ऊपर ऊपर दिखाओ भाई, ऊपर कुछ गजब है। यहाँ पर आराम का मामला है। ओ, अरे सब इधर ही सोएंगे क्या? इधर ही रुकते हैं सब। आ जा ऊपर ऊपर। ओ यहाँ पर तो पब्लिक मस्त एकदम चिलिंग सीन होगी। रिले ऊपर एसी भी है तो फिर ऐसा कुछ यहाँ बैठ के चिल कर सकता है अगर पार्टी वाड़ी करनी हो। पता है जब घर में ऐसे सारे कजिन रहते थे और फिर सारे गद्दे एक साथ बिछा के हॉल में सब सोते थे। आपड़े आवे थे तो चिल करिए। गुजरात में हम शादी के टाइम ऐसे बिछाते थे, सारे फैमिली मेंबर्स आते तो जगह होती नहीं है तो ऐसे बिछा देते। इधर भी एक जन सो सकता है, उधर भी एक जन। जितने भी अपने बिड़ू लोग है सब बिड़ू लोग है। ये बड़ा वाला गद्दा शफीक को छोड़ेंगे, शफीक सबसे दूर सोएगा, शफीक पूरा अकेले उसको यहाँ पर। तेरी बदनामी कर रहा है शफीक। Who is he? 2 hours later. All right भैया bonfire. He wants to talk to him कि तेरा knowledge अच्छा है, तू मेरे साथ जुड़ जा. अच्छा जा से रोड सेफ्टी भैया, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी कैमरे के सामने ऑफर चल रहा है इनका. सर रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं. हम लोग ऐसे ही बैठ के चिल कर रहे थे और अभी भी चिल ही कर रहे हैं, उसके बीच में व्लॉग करना पड़ रहा है. दारू निगम क्या समस्या भाई साहब, यही हो जाएगा धर्म युद्ध महायुद्ध महाभारत. ओके बाय. वक्त का खुलासा करो, कितना बज रहा है? 11:06 और 5 मिनट तक वेट करो. 11:11 को हम खाना खाएंगे. हम बिस्मिल्लाह करेंगे. तो तब तक लेके बैठ जाते. 11 बज गया. खाना खाने का वैसा मूड नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि टाइमिंग है तो खाना ही पड़ेगा. अभी शफीक का तो बिल्कुल मन नहीं है. शफीक बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा जेब में भर भर के कहीं लेके जाना है, बाद में खाएँ. ठीक है खा लेते. और आपको मिलेंगे सीधा कल सुबह. अगर टाइम पे उठ गए तो एडवेंचर एक्टिविटी करेंगे, नहीं तो फिर आपको 1 सेकंड बाद पता चल जाएगा क्या होने वाला है. कल सुबह हमारे लिए पूरी रात है. मॉर्निंग ऑल वेस्कियंस. मॉर्निंग. मैंने कहा था ना सिर्फ 1 सेकंड लगेगा. हो गया. अभी सुबह के तो नहीं, दोपहर के 12 बज रहे हैं. कायाक करना था. हाँ सुबह उठा मैं, रोशनी आई, आँख खुल गई. रोशनी तो है ही नहीं स्ट्रिप पे. आँख खुल गई. ये सुबह जल्दी उठ गया था, बट उठ के क्या किया फिर देखा कोई है नहीं. कोई नहीं था. मतलब प्लान था कि उठेंगे तो करेंगे. मैं बोला कोई नहीं, क्या करेंगे सो जाते हैं. तो बाद में ख्याल आ रहा कि हम ही तो करने वाले थे. हाँ. अभी धूप बहुत हो गई ना. नहीं अभी अलाउ भी नहीं करेंगे. 11 बजे तक था. ड्रोन उड़ाते हैं. चाहिए बोलो ला रहा है. मिला चाबी जहाँ पे मैंने बाजू में रखा था ना फ्रिज के, और उसके नीचे मेरी बैग खुली हुई थी, तो शायद कभी कुछ उठाते हुए गिर गई. क्या सीन है? कितने सारे कहानी बना रहा हूँ कि साल हम लोग दिए ही नहीं होंगे तो हम लोग चाबी लेके करें क्या? और मैंने भी, हम लोग तीनों बोल रहे हैं कि चाबी उन्होंने दिया ही नहीं है हमें, तो हमें चाबी मिलेगा कैसे? चाबी देखा किसने? सिर्फ एक ही इंसान ने देखा है, उसके अलावा चाबी किसी ने नहीं देखा है. अभी इतना ढूंढने के बाद चाबी मिल चुका है. खाना भी हमने खा लिया. 2000 चाबी के बोलते हैं. 2000 भाई, ये तो 200 रुपए बना के ला के दूंगा. 50 बन जाएगा. चलो ठीक है, हम जा रहे. अभी खाना पीना हो गया हमारा. 2 बज रहे हैं अभी. टेक ऑफ हो रहा है. ये बॉय, मैं ना यार दिल्ली वालों को ना बड़ा लकी मानता हूँ, क्योंकि ना उनको अगर ऐसे वीकेंड में कहीं निकलना हो ना, उनके पास बहुत ऑप्शंस है यार. मनाली, उत्तराखंड हो गया. हमें अगर निकलना हो, लोनावला, कर्जत, अलीबाग, महाबलेश्वर, गोवा, बस ये. अब इसमें दुखद बात ये है कि ये कंटेंट जो है ज्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन पहाड़ों के बर्फ तुम हर साल दिखाओ, वो बर्फ बिकेगा. हम तुम्हें महाराष्ट्र की मिट्टी दिखाते हैं भाई, ये बिकेगा नहीं बिकेगा. लेकिन क्या है कि हमारे भी नजदीक होता है, इसलिए हम आके चिल करते हैं. मुझे पता है कि यहाँ भी जो कंटेंट बना है ना, वो सिमिलर वैसा ही कंटेंट है जो हम पहले भी बना चुके हैं. आए, खाए, पिए, ये किए, वो किए, वो सेम स्टोरी है. मुंबई वालों की यही नसीब. बट अभी लक्षद्वीप जा सकते हैं. तुझे याद किया बहुत समझाया जाता हूँ किसी की धुन में. किसी जगह पर एक लड़की देखी है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया दिल्ली वालों का. एक बहुत ही फेमस हाईवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसमें हम अभी रिसेंटली गए थे. जब वो हाईवे बना था ना, तो वहाँ के लोग बहुत ऐसे पटेली कर रहे थे. क्या कर रहे थे? पटेली. अब बारी मुंबई वालों की, क्योंकि यहाँ पर भी एक हाईवे बना है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है. कितना किलोमीटर भाई लोग? 22. अभी अपनी बारी है, अपुन का टाइम है, अपुन फ्लेक्स मारेगा. अभी हम उधर ही जाए. आते टाइम हम आ नहीं पाए क्योंकि मोदी जी आए थे. 12 तारीख को इनॉग्रेशन था ना, तो जब मोदी जी आते हैं तो भीड़ उनके पीछे चलती है ना, तो मौका नहीं मिल पाया. तो जाते टाइम हम वो ब्रिज से जाएंगे. अभी हम उसी ब्रिज को कनेक्ट करने वाले हैं. एंड पहली बार इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु भी कहते हैं. आर यू गाइस एक्साइटेड? जहाँ हम थे वहां से मेरा घर 3 घंटे में यूजली लगता है टाइम. अभी दिखा रहा था कि 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे तुम. फ्लेक्स बेबी, सारे मुंबई वासियों फ्लेक्स कर करके जला दो. यही चाहिए क्या? यही लग रहा बाबा. क्या है ये गूगल मैप्स? हाँ ठीक है ठीक है। माता जी ये फूल बना भी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। डबिंग बना कर रहा भाई, ये तू डबिंग कर रहा है या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। तू बोलता तो भी डबिंग लगता है यार। वहाँ पर नो बाइक्स का साइन लगा हुआ है यार, मेरा दिल दुख रहा है। बाइक्स आर नॉट अलाउड। बाय बाय चॉपरीज, सी यू लेटर। ए भाई ब्रिज पे आए हैं, खुदा को याद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको बताएंगे मुंबई ट्रांस हार्बर का रिव्यू। शुरू में काफी एक्साइटमेंट है, बढ़िया एकदम मजा आ रहा है क्योंकि भाई मुंबई में लॉन्गेस्ट सी ब्रिज तो अपने आप में ऐसा मुंबई कर वाली फीलिंग है। जैसे हाईवे पे ज्वाइन करना हो कॉर्नरिंग करके आना पड़ता है, और कॉर्नरिंग करके जैसे थोड़ा सा मेन हाईवे के पास आएंगे तो एक बोर्ड दिखेगा जिसपे लिखा है कोलाबाद 33 किलोमीटर। नाइस। पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट है यार इस ब्रिज का, क्योंकि ना ये ब्रिज की वजह से हमारा कितना कुछ यूं यूं हो जाएगा। लोनावला 2 घंटे में यूं यूं, करजत 1 घंटे में यूं यूं। वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नवा शेवा अटल सेतु। यस तो बोलते पैसा लिया जा रहा है 250 रुपीज। पैसे नहीं लेंगे, फ्री है, एंड पे लेंगे। वो लिए होंगे कुछ ना कुछ तो। ओके तो ऑफिशियली अभी हम टोल पे करके आ चुके हैं MTHL। इसका सिंपल नाम हम रखते हैं अटल सेतु, सिंपल। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। MTHL भी ठीक है बट अटल सेतु प्यारा नाम है। मतलब खुलते ही पब्लिक आना चालू, पब्लिक ही पब्लिक है यार। 100 की स्पीड लिमिट है, कैमराज लगे हुए हैं। हमने सोचा था कि यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हाईवे है, रुकना रिस्की होता है, लेकिन लाइन से काफी लोग रुके हैं तो फिर हम क्यों शरीफ बने, हम भी तो थोड़ा मजा ले लें अटल सेतु ब्रिज का। ओ लवली यार, मोदी जी कल यहाँ पे आए थे, यही हुआ था। लवली यार लवली, देखो यहाँ पानी, उस तरफ भी पानी, पीछे भी पानी, आगे भी पानी, मैं तो पानी पानी। चलो भाई हमारा देख के हो गया, हम ज़्यादा यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर रुकना रिस्की है। नया हाईवे था, एक्साइटमेंट था, इसलिए हम बाहर आके फोटो वोटो ले लिए। एक सज्जन आए हुए थे जो रेलिंग के ऊपर बैठकर फोटो खिंचा रहे थे। क्या आप मुझे बताइए, कि क्या एक सेल्फी की कीमत, क्या एक सेल्फी की कीमत आपकी जान हो सकती है? कतई नहीं, कतई नहीं। हाईवे एकदम बढ़िया है। हाईवे पे आते आते आप देख सकते हो एलिफेंटा केव्स, मतलब दूर से थोड़ा पहाड़ जैसे दिखेगा आपको। साइड में कैसा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जोन ऐसा समथिंग कुछ बनाया, वहाँ पर लोग पार्क करके फोटो वोटो खिंचा रहे थे। अभी नया नया हाईवे ना तो इतना तो चलता है। सो बढ़िया था, कुछ लोग मस्त एकदम मजे भी कर रहे थे, जान पे खेल के। पहुंच गए घर पे, पहुंचते पहुंचते अपने को 6 बजे। जितना टाइम अपने को करजत से अटल सेतु ब्रिज क्रॉस करते करते टाइम लगा था, उतना ही टाइम हमें वहां से घर पहुंचने में लगा। ट्रैफिक में अटक चुके थे। बाकी सब एकदम बढ़िया है। आई होप आपको मजा आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लवली ड्रीम, बूम। मॉइस्चर है, मॉइस्चर कैसे जाएगा? वो जा रहा है। चालू कर दे, डैम जा रहा है ऐसा ऐसा। सोखनी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही? सोखनी शक्ति। पोज दे उसको, अरे पोज दे, माइक्रोफाइबर। बिस्मिल्लाह। ना ब्रो।